और दिस इज माय सेकंड डे इन बुल्ला समर्थ। और आज हम घूमने वाले बहुत ही ब्यूटीफुल जगह 0.5 मास से मलेश्वरी मंदिर और हीरापुर जाकर, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए माइक्रो ट्रैवल। यह है हीराकुद डैम और मैं हूँ नेहरू मीनार साइड पे। तो आइए इस डैम का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1947 से शुरू होकर 1957 में ख़त्म हुआ था। डैम का कुल लेंथ 25 किलोमीटर और हाइट 60 मीटर है। यहाँ एक हाइड्रो पावर प्लांट है जिसका पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी 347 मेगावाट है। हीराकुद डैम पूरे धरती पे इकलौता ऐसा डैम है जो ओनली सिर्फ और सिर्फ इंसानों ने बनाया, कोई मशीनरी का यूज नहीं होता। तो हीराकुद डैम देख लिए, चलते हैं 0.0 की तरफ। 0.0 जाने के लिए आपको नेहरू मीनार छोड़ के लेफ्ट में जाना पड़ेगा। नज़ारा इतना बढ़िया है ना, और उसके साथ ये ताजी हवा, लग रहा मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। यह है रास्ता 0.0 जाने के लिए। रास्ते के उस साइड में पानी, इस साइड में जमीन और बीच में से रास्ता जा रहा है, और रास्ते के ठीक सामने है पहाड़ और पहाड़ी के ऊपर बादल। क्या गजब नज़ारा है ना। अगर अभी सनसेट हो जाए ना तो इसका नज़ारा कुछ अलग लेवल का दिखेगा। चलो कोई नहीं, हमको और भी एक जगह जाना है। एक छोटा सा वाटरफॉल है जहाँ पे ये रास्ता शुरू हुआ था, उसी के आसपास ही है। मैं देखा नहीं, गूगल मैप में ऐसे ही ढूंढ रहा था तो मिल गया था। पानी कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका, वाटरफॉल का नाम। तो उधर जा के देखेंगे, उधर पहुँच के मैं बताता हूँ उस वाटरफॉल का एग्जैक्ट नाम क्या है और लोकेशन कहाँ पर है और कैसा दिखता है, और जाके खूब सारा इन्जॉय करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में मतलब लाता रहता हूँ। ये तो कमन डायलॉग है, मैं भी मारता रहता हूँ। चलो कोई नहीं, ओके। फाइनली हम आ पहुँचे 0.0 में। ये जगह बुल्ला से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पे, ये देखो। और एक मज़ेदार चीज़, इसका नाम है खरसल। खरसल क्या नाम पता नहीं, इसका मीनिंग क्या है, पर इसका नाम ही है खरसल। ये जगह डेबरीगढ़ सेंचुरी का एंट्री पॉइंट है। अगर आप सफारी करना चाहते हो और नाइट को स्टे करना चाहते हो तो अंदर कॉटेज भी है, आप ओरिसा टूरिज्म जाके बुकिंग कर सकते हो और इधर आके मस्त वाइल्ड लाइफ का मजा ले सकते हो। बाय बाय खरसल। तो हम लोग इधर से भी निकल चुके हैं और एक वाटरफॉल भी देखना है। अगर कोविड के बाद कभी
मौका मिलता है तो देवरीगढ़ सैंक्चुअरी मतलब जरूर घूमने आऊंगा। अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। इसका नाम पूछा तो इधर का जो लोकल लोग हैं बोल रहे हैं इसका कुछ नाम नहीं है, पर नेट में देखा तो उसका नाम कुछ पानी पहुंच ऐसा कुछ दिखा रहा है गूगल मैप में। जीरो पॉइंट जाने के लिए रास्ता जहाँ पे स्टार्टिंग होता है ये वाटरफॉल वहीं पे है, तो आप मतलब गूगल मैप में सर्च करके देख सकते हो कि पानी पहुंच वाटरफॉल कहाँ पे है। ऊपर जाने के लिए बहुत ही फिसलन सा ये जो पत्थर है उसको चढ़ना पड़ेगा, पर कोई नहीं चढ़ जाएंगे, गिरेंगे तो नहीं ऐसा मेरे को लग रहा, अगर गिरे तो मेरा खैर नहीं, गिरना नहीं बाबू भाई गिरना नहीं। दो कदम बस दो कदम चल दो ना साथ में, अच्छा चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, और बाकी बहुत सारा आइए जी चला चलो। अरे ऊपर और भी मस्त जगह है यार, ऊपर ऊपर का नज़ारा देखो, दिखाता हूँ कैसा दिखता है ऊपर, पूरा फिसलन है देखो ये, अरे गजब नज़ारा देखो गजब है, अरे गजब वाटरफॉल गजब है। और थोड़ा सा ऊपर और एक छोटा सा वाटरफॉल है, किसी का ही भाई है तो ऊपर जाके देखते हैं, अरे गजब नज़ारा है। नेचर वंडर से हमेशा भरी रहती है। इधर देखो एक वाटरफॉल, हाँ जहाँ से मैं अभी चढ़ के आया ये, और इधर एक छोटा सा केव, भालू वालू रहते हैं शायद, देखते हैं अंदर कुछ नहीं, और इसके ऊपर है और एक वाटरफॉल, चलिए लेके चलते हैं। अरे गिरेंगे तो नहीं ना भाई, अरे साला नहीं जा पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाने ऊपर, कोटे चढ़ दिला भाई क्या चढ़ दिला क्या, हाँ सेवाटो चल रहा है, रॉन्ग रास्ते पे आ गया, उधर से चलना है। अभी मैं वाटरफॉल से निकल चुका हूँ, और मज़ेदार की बात यह है कि किसी को उसका नाम ही नहीं पता, कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ, नेट में तो हद ही कर दिया, गूगल मैप में दिखा रहा है उस वाटरफॉल का नाम पानी पहुँच वाटरफॉल, पर उधर जाकर पूछ रहे हैं तो कुछ अलग बोल रहे हैं, एक तो बोला उसका नाम भी नहीं है पता नहीं, पर मेरे को जो जेन्यून नाम लगा
वो है रामचंडी वाटरफॉल, क्योंकि उसके पास रामचंडी माता की मंदिर है, तो हो सकता है उसका नाम रामचंडी वाटरफॉल हो। अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो तो गूगल मैप में सर्च कर देना पानीपोंच वाटरफॉल, वो डायरेक्शन बता देगा। फिर भी मैं बता देता हूँ उसका लोकेशन कहाँ पर। हीराकुड डैम के नेहरू मीनार से ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर जीरो पॉइंट का रास्ता शुरू होता है, उसके पास में है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।